हाल ही में भारत सरकार ने एक नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि अब से इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तकनीकी पाठ्यक्रम के साथ ही वेद पुराण भी पढ़ाए जाएंगे। इस बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अब इंजीनियरिंग के छात्रों को कोर्स के साथ ही वेद और पुराण भी पढ़ने होंगे। AICT ने इस संबंध में नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। अब अभियंता बनने वाले छात्र को वेद पुराण शास्त्र आदि का भी अध्ययन साथ में करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन छात्रों को अपने तकनीकी कोर्स के साथ संविधान और पर्यावरण विज्ञान के बारे में भी पढ़ना होगा। हालांकि इन सब के मार्क्स फाइनल मार्क्स में जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इन विषयों को पढ़ना अनिवार्य होगा। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। यह छात्रों का संपूर्ण विकास करेगा। आपको बता दें कि भारतीय परंपराओं के ज्ञान वाले नए पाठ्यक्रम में दर्शन, भाषा, योग और कलात्मक परंपराओं पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़ना है, ताकि उन्हें रोजगार के साथ ही एक बेहतर इंसानी बनने में कोई दिक्कत न आए।